क्या होगा? बोले कलयुग में इंटरकास्ट मैरिज होगी, और इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कानून भी बनी गए, आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारतीय संस्कारों के अनुसार अगर इस पर चर्चा की जाए तो इस इंटरकास्ट मैरिज को उचित नहीं माना गया। आज जो चीजें हो रही हैं कि अपनी ही मर्जी के मुताबिक हम करेंगे जो हमें करना है, और करते भी हैं लोग, उन्हें रोक भी नहीं सकते, राइट भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, कैसे रोकेंगे आप? आप पे क्या राइट है जो आप रोक लेंगे किसी को? हम भी नहीं रोक रहे किसी को, रोक नहीं रहे। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न हुई संतान अपने मां बाप को, अपने पितरों को जल नहीं दे पाएगी, तर्पण नहीं कर सकेगी, उससे पितृ तृप्त नहीं होंगे जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। युवाओं से मेरा निवेदन है, आग्रह है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, पशु नहीं। और मनुष्य की योनि में जब जन्म लिया उसी समय हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। जिन मां बाप के घर में हमारा जन्म हुआ है उन मां बाप की ही नहीं बल्कि उनसे पूर्व जो पितर हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारा एक आचरण उन पितरों को नरक में ढक्का मार सकता है, और हमारा सतोगुण हमारे उन पितरों को भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। जैसे ट्रेन के इंजन के पीछे तमाम डिब्बे होते हैं और यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, चलता तो अकेला इंजन ही है, डिब्बे नहीं चलते हैं, इंजन ही चलता है, लेकिन उस इंजन का सहारा लेकर डिब्बे भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। द सेम थिंग माय डियर, इस समय अगर हम जिंदा हैं तो हम इंजन हैं और हमारे जो पितृगण हैं वो डिब्बे के रूप में हैं। हमारे सत्कर्म और बुरे कर्मों का असर, इंजन जिधर जाएगा डिब्बे उधर जाएंगे। तो जो कर्म हम करेंगे उसका रिएक्शन, उसका फल हमारे पितरों को झेलना पड़ेगा। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज हमारे यहां अलाउड नहीं है, हमारे भी संस्कृति में नहीं है। अब कोई कर रहा है या करते हैं या कर ली है या कर चुके हैं या आगे करेंगे, हमारे यहां वो तालिबानी न्याय तो है नहीं कि तुमने ऐसा किया हम खड़ग उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप जो चाहे करें, लेकिन मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं वो आपके धर्म के अनुसार बता रहा हूं, जो संस्कृति है उसके अनुसार बता रहा हूं कि कलयुग में मनमानी शादियां लोग करेंगे। अब तो चार चार शादी कर रहे हैं लोग, एक है तो दूसरी कर रहे हैं, दूसरी है तो तीसरी कर रहे हैं, और अब तो कई कई कर रहे हैं। जब उसे फेसबुक आया है तो शादियों की गिनती नहीं है, बिना बताए कई कई कर ले रहे हैं, क्या करोगे उनका? ये हमारी संस्कृति नहीं। भगवान ने जो एक दिया है, एक दी है, उसी के साथ प्रेम से रहो, घर का माहौल अच्छा रखो।